हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शेरफगन, मैं केमिस्ट और स्किन केयर एक्सपर्ट हूं और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं जेन फॉर्म के स्पेक्ट्रा ब्लॉक SPF 60+ सनस्क्रीन का। और इसी के साथ मुझे एक सीन याद आ गया, अगर आपने थ्री इडियट्स मूवी देखी है तो आपको याद होगा जब चतुर रामलिंगम यानी के साइलेंसर की स्पीच होती है, तो उस दौरान लाइब्रेरियन दुबे जी वीरू शास्त्र बुद्धि के कान में बोलते हैं कि बोल वो रहे हैं लेकिन शब्द हमारे हैं। तो आई टॉक अबाउट दैट लेटर इन द वीडियो, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो लोग अक्सर पूछते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि ये SPF 60 या 50 के साथ प्लस 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 क्या लिखा होता है, इसका मतलब क्या है। तो प्लस का मतलब ये होता है अगर किसी भी सनब्लॉक या सनस्क्रीन पे SPF 50 प्लस लिखा हो, उसका मतलब ये होता है कि ये SPF 50 नहीं है। ये कहने में SPF 50 है लेकिन ये SPF 60 तक काम करेगी। अब जहाँ तक बात है यूवी रेडिएशन की, तो इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है UVA कॉज एजिंग, दूसरी होती है UVB कॉज बर्निंग। इन दोनों की रोकथाम के लिए, स्किन को इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स मुख्तलिफ फार्मूलेशंस में यूज़ किए जाते हैं, जिस तरह के इसमें यूज़ किए गए हैं। अब जो फिल्टर्स होते हैं जो यूवी रेज को ब्लॉक करते हैं, उनमें एक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फिजिकल या मिनरल सनस्क्रीन्स, दूसरी होती हैं केमिकल सनस्क्रीन्स। तो अगर इन दोनों को मिक्स किया जाए तो ये बन जाती है हाइब्रिड सनस्क्रीन। जैसा कि मुख्तलिफ गाड़ियाँ होती हैं, एक गाड़ी पेट्रोल पर चलती है, एक गाड़ी जो है वो बैटरी पर चलती है। एक ऐसी गाड़ी है जो आजकल बहुत फेमस हो रही है मार्केट में, वो पेट्रोल पे भी प्लस बैटरी पे भी चलती हैं, तो वो होता है हाइब्रिड गाड़ियाँ उन्हें कहते हैं। अब जहाँ तक बात है इस प्रोडक्ट की, तो इसमें भी मुख्तलिफ फिल्टर्स यूज़ किए गए हैं जो कि मिनरल भी हैं और केमिकल भी हैं, तो हम इसे एक हाइब्रिड सनस्क्रीन कह सकते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छे तरीके से स्किन की प्रोटेक्शन हो जाती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं। अब इसमें UVA से प्रोटेक्ट करने के लिए एक तो जिंक ऑक्साइड है, दूसरा है ऑक्टोक्राइलिन। जहाँ तक UVB की बात है, तो ये दोनों चीज़ें जो UVA से प्रोटेक्ट करती हैं, जिंक और ऑक्टोक्राइलिन, ये UVB के लिए भी अच्छी हैं। तो UVA में हो गए, UVA से बचाव के लिए हो गए दो फिल्टर्स। अब बात है UVB की, तो ये दोनों UVB में भी काम करेंगे। इसके साथ UVB को ब्लॉक करने के लिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूज़ की गई है, इसके बाद ऑक्टाइल मिथॉक्सीसिनामेट है। तो कुल मिला के मैं इसे एक बहुत मज़ेदार किस्म का सन ब्लॉक कह सकता हूँ। प्लस इसके साथ इथाइल हेक्साइल सैलिसिलेट यूज़ किया गया है, दैट प्रोटेक्ट्स कॉस्मेटिक्स फ्रॉम यूवी रेज। यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहूँगा जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड के बारे में, कि ये दोनों सेफेस्ट सनस्क्रीन है। ये इतनी सेफ़ हैं कि जो बच्चों की किड्स सनस्क्रीन होती है या सन ब्लॉक होते हैं, उनमें भी इन दोनों फिजिकल या मिनरल सनस्क्रीन को शामिल किया जाता है, क्योंकि स्किन के लिए बेहद सेफ हैं। मैं विटामिन ई भी शामिल कर दिया है, जो कि बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी। इसके साथ साथ विटामिन सी भी शामिल कर दिया गया है एस्कॉर्बाइल पाल्मिटेट की फॉर्म में, जो कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करेगा, स्किन को वाइट और ब्राइट करेगा, स्किन यंगर फील होगी, हेल्दी फील होगी, प्लम्पी फील होगी। और इसके साथ साथ ह्यूमेक्टेंट भी शामिल किए गए हैं ताकि स्किन ड्राई ना हो, स्किन पे मॉइस्चर बरकरार रहे। और इसके अलावा इसमें क्या डाला है मैं देख के बताता हूँ, काफ़ी लंबी लिस्ट है। जी हाँ, इसमें एलोवेरा भी शामिल कर दी गई है ताकि इस प्रोडक्ट की स्किन के लिए सूदिंग, हीलिंग और रिपेयरिंग प्रॉपर्टीज़ भी हो जाएं। अब जरा बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट की हाइलाइट्स की, इसकी जो क्वालिटीज़ इसके फ्रंट पे मेंशन की गई हैं, उनमें सबसे पहले आता है सुपर सनब्लॉक। तो सुपर तो मैं इसे नहीं कह सकता, लेकिन सनब्लॉक है और अच्छा सनब्लॉक है। सुपर की कैटेगरी थोड़ी इससे ऊपर आ जाती है। तो सेकेंड इस पर लिखा गया है हाइपोएलर्जेनिक, यानी कि कुछ लोग जिनकी स्किन पर एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं ड्यू टू डिफरेंट जो भी हमारे पास स्किन केयर की प्रोडक्ट्स होती हैं, तो वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं इतना कहना चाहूँगा कि जिन लोगों की स्किन कह लें एलर्जी प्रोन होती है, वो इसे स्किप कर दें, यूज़ ना करें। वो उस तरह की सनस्क्रीन या सन ब्लॉक यूज़ करें जिसमें सिर्फ और सिर्फ मिनरल या फिजिकल सनस्क्रीन पाई जाती है, जिस तरह जिंक और टाइटेनियम। इसके बाद आता है पैराबिन फ्री। तो पैराबिन फ्री के बारे में हमारी स्किन केयर या कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री ने बहुत हाइप क्रिएट की है कि इसके ये नुकसान आते हैं, इसके वो नुकसान आते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा इदारा है जिसकी रिसर्च को हम मुस्तनद मानते हैं, उनके मुताबिक पैराबीन्स आर जनरली रिगार्डेड एज सेफ। तो इतनी कोई मसले वाली बात नहीं है। प्लस पैराबीन्स जब प्रोडक्ट में शामिल होते हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में शामिल होते हैं, ना होने के बराबर। इससे प्रोडक्ट ख़राब नहीं होती, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो पैराबीन्स कोई मसले मसाइल क्रिएट नहीं करते, किसने शामिल किए हैं या नहीं किए तो डजंट मैटर। इसके अलावा इसके अल्टरनेटिव्स भी होते हैं जो लोग यूज़ करते हैं।
तो अब जिन लोगों को साइकोलॉजिकली पैराबीन से मसला है तो वो इस प्रोडक्ट से खुश हो जाएं। इसके बाद परफ्यूम फ्री, तो परफ्यूम फ्री प्रोडक्ट्स आजकल क्यों आ रही हैं, क्योंकि मोस्टली जो परफ्यूम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जो फ्रेग्रेंसेस होती हैं जो प्रोडक्ट्स में शामिल की जाती हैं एस्थेटिक्स के लिए, अच्छी फीलिंग लेके आने के लिए, वो बेसिकली सेंसिटिव स्किन के लिए हार्मफुल होती हैं ड्यू टू एसीटोन्स और ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर जो सेंसिटिव स्किन पे मसले मसाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए अगर तो किसी ने इसमें कोई फ्रेग्रेंस ऐड की है जो नेचुरल एसेंशियल ऑयल से बनती है तब ठीक है, अगर जो सिंथेटिक खुशबू किसी प्रोडक्ट में ऐड की हो तो वो सेंसिटिव स्किन के लिए ठीक नहीं है, बाकी सब उसे यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके बाद फोटोस्टेबल है, मतलब लाइट इस प्रोडक्ट पर असरअंदाज नहीं होगी, इसके अंदर कोई चेंजेस अगर नहीं होगी। और लास्ट पे आता है नॉन ग्रीजी, नॉन ग्रीजिटी है, मैंने ट्राई की हुई है, चेक की है, तो इसमें कोई इतने ज़्यादा ऑयल्स शामिल नहीं किए गए। मोस्टली कुछ ऐसी होती हैं क्रीम्स एंड लोशंस जो फेस पे लगाने के बाद स्किन ऑयली सी हो जाती है, तो इससे ऐसा कुछ नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की, तो इसके प्रोज तो काफ़ी सारे हैं, जिस तरह इसमें बहुत अच्छी सिलेक्शन की गई है सनस्क्रीन्स की, इसमें केमिकल सनस्क्रीन भी है, इसमें फिजिकल सनस्क्रीन भी है, इसके अलावा ये परफ्यूम फ्री है तो सेंसिटिव स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं, प्लस फोटोस्टेबल है, जब आपने फेस पे लगाई है आपने बाहर जाना है धूप में तो इसमें कोई चेंजेस अगर नहीं होंगी, उसके अलावा नॉन ग्रीजी है, तो ये सारे इसके प्रोज हैं। प्लस इसकी प्राइस भी इसका एक प्रो है, उसके बारे में आगे जाके बात करते हैं। अब जहाँ तक बात है कॉन्स की, तो कॉन्स इसमें मैं जस्ट इतना कहना चाहूँगा कि ये हाइपोलर्जेनिक है, मतलब जिन लोगों की स्किन एलर्जी प्रोन होती है उनके लिए ठीक है, लेकिन मैं उनके लिए भी सजेस्ट करूँगा कि वो ये चीज़ यूज़ ना करें, वो जस्ट मिनरल सनस्क्रीन यूज़ करें। अगर आपको मिनरल सनस्क्रीन के बारे में जानना है तो मैंने ओजी ऑर्गेनिक्स पे एक वीडियो बनाई हुई है, उनकी मिनरल सनस्क्रीन है और अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर एक मसला भी है, मैंने वो भी बताया हुआ है। मैंने ये प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज़ की है, इन्होंने मुझे साथ एक दो साशे भेजे हैं एज अ गिफ्ट, जो कि बहुत खुशाइन बात है, और इसकी क्वान्टिटी है 40 ग्राम्स। मेरे ख्याल से एक अच्छा सन ब्लॉक, एक अच्छी सनस्क्रीन जिसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं, मुख्तलिफ किस्म के अच्छे फ़िल्टर शामिल हैं, वो 698 यानी कि 700 रुपये में 40 ग्राम्स ठीक है, वो इतनी महंगी नहीं है और सन प्रोटेक्शन भी इससे अच्छी हो जाएगी। यहाँ मैं एक और बात बताना चाहूँगा जो इन्होंने अपनी पैकिंग पे मेंशन की है और बहुत अच्छी बात है, बहुत से लोगों को इस बात का इलम नहीं, वो ये है कि जब भी आपने सनस्क्रीन अपने फेस पर अप्लाई करनी है तो बाहर जाने से पहले, बाहर जाने से कोई आधा घंटा पहले आप सन ब्लॉक फेस पर अप्लाई कर लें, उसे सेट होने में कुछ टाइम लगता है, तो 20-30 मिनट के बाद आप फिर धूप में निकलें तो कोई मसला मसाइल नहीं होगा, ये प्रोडक्ट अच्छे तरीके से काम करेगी। इसके अलावा ये प्रोडक्ट मार्केटेड बाय जेन फार्म लाइफ साइंसेस कॉस्मेटिक डिवीजन है और मैन्युफैक्चर्ड बाय मोंटिस प्राइवेट लिमिटेड। एक बात मैं करना चाहूँगा इस प्रोडक्ट के बारे में या इस तरह की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के बारे में, अगर थोड़ा सा मेंशन कर दें कि इसमें जो फिज़िकल या मिनरल सनस्क्रीन जिस तरह जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड होती है उसकी क्वांटिटी कितनी शामिल की गई है, तो हमें बेहतर आइडिया हो सकता है कि ये प्रोडक्ट कितना काम करेगी, किस हद तक काम करेगी। इसमें जो फिज़िकल या मिनरल सनस्क्रीन होती हैं उसकी क्वांटिटी मेरे ख्याल में कम है, थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि मैं खुद ये प्रोडक्ट्स फार्मूलेट करता हूँ, मुझे पता है कि कौन सी प्रोडक्ट की कंपोजिशन क्या है, उसकी आउटकम किस तरह की होगी, स्किन पे उसके इफ़ेक्ट्स कैसे होंगे। तो वैसे तो हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसा सिस्टम नहीं जिसे हम चेक कर सकें कि कोई सनस्क्रीन उसकी एफिकेसी कितनी है, वो किस हद तक UVA और UVB से प्रोटेक्ट कर सकती है। कोई कहते कि SPF 100 है, तो SPF 100 तो पाकिस्तान के लिए होनी ही नहीं चाहिए, ना इंडिया के लिए, ना बांग्लादेश के लिए, ना ही किसी ऐसी कंट्री के लिए जिसकी स्किन कॉकेशियन है, इंतहाई वाइट किस्म की है, उसको जब वो बाहर निकलते हैं उन्हें एक्सपोजर होता है सनलाइट का तो फौरी तौर पे उन्हें सनबर्न होने शुरू हो जाते हैं, इस तरह के मसले मसाइल, तो SPF 100 उनके लिए है। इनका भी SPF 100 सन ब्लॉक है, तो हमें आई थिंक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन कंट्रीज़ में SPF 60 इज़ मोर देन इनफ। तो ये था हमारा आज का रिव्यू जेन फार्म के स्पेक्ट्रा ब्लॉक SPF 60++ सनस्क्रीन का। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब मस्ट है। कोई भी आपके क्वेश्चंस हों या आपको लगता है कि मैंने कोई बातें मिस कर दी हैं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में।